भक्त एक भगवान के दरबार में प्रार्थना करता है कि भगवान इस जमाने को क्या हो गया है, सब देवता जब भगवान के पास पहुंचे, विष्णु के पास प्रार्थना करने लगे कि हमें उस पृथ्वी लोक पर भेज दो कि जहां प्रभु राम और भगवान कृष्ण ने जन्म लिया या प्रकट हुए, तो गोस्वामी जी ने लिखा है के बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो बोले कि हे ऋषिवर, वो बड़े भागशाली पुरुष हैं जिन्होंने वहां जन्म लिया, तो हमें प्रयास जीवन में ये करना है कि कीड़े मकोड़ों की तरह ऐसे जीवन को नहीं निकालना है। और समस्त कलाकारों से हमारा निवेदन है कि इतना गंदा गाके भी अपनी वाणी को अपवित्र मत करें। ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर आवाज दी है कि बड़े भाग मोल रामा मोल रामा बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो बोले हे ऋषिवर, वो बड़े भागशाली पुरुष हैं, तो हमें इस जीवन में ईश्वर ने अगर हमें सुंदर आवाज दी है तो हमें बड़े सुंदर तरीके से प्रयास जीवन में करना चाहिए, हम गाएं। लेकिन आजकल तो क्या बताएं। तो हमने उमा कुशवाहा जी जो हमारे साथ में, इन्होंने हमसे वादा किया कि महाराज हम तो अच्छे अच्छे गाने हम कर रहा हूं तुम्हारा मन बिल्कुल कर रहा हूं। देखो झूठ ना बोलियो, सावन का पवित्र माह है, देखे रे नहीं महाराज हम नहीं गाए अब बिल्कुल। तो सब संगत का असर जीवन में होता है कि जिसकी जो संगत होती है, जिसकी जो सोच होती है। तो भक्त भगवान के दरबार में प्रार्थना करने लगा कि राम राजा मोरे कि राम राजा ये क्या हो रहा है और पाप हंसता धर्म रो रहा है पाप हंसता धर्म रो रहा है लेकिन किसी ने कहा है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन सत्य की ही जीत होगी। हो राम राजा हो राम राजा ये क्या हो रहा है पाप हंसता धर्म रो रहा है पाप हंसता धर्म रो रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा कि अगर जीवन में वो बड़ा भागशाली पुरुष है जिसे दो चीजें मिल जाए, तो कहने लगे क्या? बोले एक जीवन साथी और एक दोस्त। वो बड़ा इस पृथ्वी पे बड़ा भागशाली पुरुष है कि जिसे दो चीजें अच्छी मिल जाए, एक दोस्त और एक जीवन साथी। और गोस्वामी जी ये भी लिख रहे हैं कि दुष्ट संग जन देह विधाता और जासे भलो
नरक को बासा। तो बोले भक्त कहने लगा कि हे भगवान के राम राजा ये क्या हो रहा है, ओ पाप हंसता धर्म रो रहा है। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। समय लग जाएगा लेकिन जीत सत्य की होगी। तो ये जो अभय का अभियान चलो तो आपने देखो ये साफ सफाई अभियान जो हमारे आदरणीय पीएम मोदी जी ने चलाया था, तो ऐसा ही एक अभियान बुंदेलखंड में चलेगा। ये अपने आप सफाया हो जाएगा कि जब से आया है कलयुग जमाना और वो बेटा मां से हुआ है बेगाना, बेटा मां से हुआ है बेगाना, वो बेटा मां से हुआ है बेगाना। और इस जमाने को क्या हो गया है, इस जमाने को क्या हो गया है, ओ पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। जिसने भी जब एक जने गए, एक बहुत अच्छे कवि थे, तो उनने फोन लगाओ, बोले महाराज हम आपके पास आ रहे। तो पंडित जी बेचारे सीधे साधे बैठे इंतजार करने लगे। तो जैसे ही वे आए तो बोले महाराज दो गीत लिख दो। तो बोले बता भैया कैसे लिख लें। बोले लोकगीत लिख लें और काल लिख लें। बोले अच्छा, तो उन्होंने क्षमा मांगी जैसे उनने लोकगीत बताए। बोले अगर ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो हम इतने गंदे गीत नहीं लिख सकते, हमें क्षमा करो। तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप भी सच्चाई के रास्ते पे आएंगे। हो बेटा भाई बहन को न जाने, ओ माँ बाप को ना पहचाने, ओ माँ बाप को ना पहचाने, ओ माँ बाप को ना पहचाने, पहचाने माँ बाप को ना पहचाने, माँ बाप को ना पहचाने। बेटा भाई बहन को
बेटा भाई बहन को न जाने और माँ बाप को ना पहचाने, आज कुछ आपने देखा हो कि अगर कुछ माताएं बहनों सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी बुंदेलखंड की सिर्फ जो कलाकार हैं उनके लिए बोल रहे कि अगर काऊ ने एक शादी कर ली फिर दूसरी भी कर ली तो वो अपनी लड़की को सलाह देती है कि बेटा तुम्हें भी दो करो, अगर हमने दो करे तो तुम्हें भी दो करने। लेकिन कुछ माताएं बहने एक बार कब हो कि देखो आप दो मंदिर की तरफ एक बहन जा रही थी तो वो दूसरी बहन से बोली, बोली बहन चलो मंदिर चल रहा है, बोले हम नहीं जा, बोले काए, बोले सुनो काए, बोले सुनो के ससुर खो भूत सास खो भूतनी, बोली मंदिर नहीं चलने, बोले हमें नहीं जाने, बोले ससुर खो भूत मोरे रामा और सास खो भूतनी और के पति खो घटैया बनाने, सो बोली के मंदिर हमें धारण ना जाने, पति खो घटैया बनाने सो मंदिर हमें धारण ना जाने, एक बच्चे को जब संस्कार मिलते हैं, हमें जब हम पढ़ने स्कूल में जाते हैं तो हमें वहां शिक्षा मिलेगी, ज्ञान नहीं, ज्ञान हमें मिलेगा हमारे माता पिता से, हमारे गुरुओं से, लेकिन हम इन सारी चीजों से वंचित हैं। तो देखो वो कहने लगी, बोली क्या कह रही बहन, बोले सही कह रहे कि ससुर को भूत और सास को भूतनी, पति को घटोइया बनाने सो मंदिर हमें धारण न जाने, बोले नहीं बहन ऐसे नहीं, ये बात नहीं है, वो अच्छे परिवार से और अच्छे संस्कार से परिचित थी, बोली सुनो ससुर खो दशरथ पति खो राम मोरे रामा मोरे रामा, पति खो राम ससुर खो दशरथ पति खो राम ससुर खो दशरथ और बोली सास खो कौशल्या बनाने सो मंदिर हमें घरई में बनाने, हो सासखों को सिल्ला बनाने सो मंदिर हमें धरई में बनाने, तो इस संसार में सबकी सोच अलग अलग, उसी बात पे फिर चलते हैं कि राम राजा ये क्या हो रहा है, ओ पाप हंसता धर्म कहने लगा कि अब तो हे मुरली वाले इस दुनिया से जी भर चुका है, हो तेरे सुन लो मेरी मुरली वाले, हो अब तो कर लो तुम अपने हवाले हवाले, कर लो तो
फिर सुन लो मेरी मुरली वाले, फिर सुन लो मेरी मुरली वाले, हो अब तो कर लो तुम अपने हवाले, हो अब तो कर लो तुम अपने हवाले, हो अब तो कर लो तुम अपने हवाले, और हो इस जमाने से जी भर गया है कि इस जमाने से जी भर गया है, ओ बाप हंसता धर्म रो रहा है, रहा है बाप हंसता धर्म रो रहा है, हो राम राजा ये क्या हो रहा है, हो राम राजा ये क्या हो रहा है, पाप हंसा धर्म हो रहा है, पाप हंसा धर्म हो रहा है, हो राम राजा ये क्या हो रहा है, हो राम राजा ये क्या हो रहा है, हो पाप हंसा